हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि 30% सिलेबस जो CBSE ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है, तो कौन कौन से हमारे चैप्टर्स हैं जो रिड्यूस हुए हैं, जो आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ नीट की, नीट का अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है कौन सा नहीं, ये थ्योरेटिकल पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, 11th क्लास में आपको जो चैप्टर नहीं पढ़ने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी जो क्लास 11th की मार्किंग स्कीम के बारे में बताती हूँ मैं। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, पहले वो 10 मार्क्स का था, उसका वेटेज अब बढ़ा दिया है 5 नंबर, 15 का हो गया है। ठीक है, दूसरी जो हमारी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका वेटेज रिड्यूस हो गया, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगी कि एक चैप्टर पूरा रिड्यूस हो गया इस यूनिट में से, तो इस पूरी यूनिट का वेटेज भी रिड्यूस हो गया, 12 से 8 हो गया। सेल में कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, क्योंकि तो 14 से 15 हो गया, इसका वेटेज बढ़ गया। प्लांट फिजियोलॉजी में वेटेज कम हो गया 2 मार्क्स का, ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहले 17 था, अब भी 17 है। ठीक है, तो टोटल आपके 70 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की जो हमारी है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म, उसमें कोई भी चैप्टर एज सच रिड्यूस नहीं किया गया है, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें लिविंग वर्ल्ड, तो जो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, इनको रिड्यूस किया गया। देखिए मैं आपको सिलेबस दिखाती हूँ। लिविंग वर्ल्ड में हमारा क्या क्या आता है, लिविंग बायोडाइवर्सिटी, जो लास्ट में जो हमारा टॉपिक है, जो टूल्स हैं हमारे, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क या और टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, इन पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि इसके बाद जो हमारे आते थे टैक्सोनॉमिक टूल्स में जो कीज हैं, या फिर जो वो हम लोग पढ़ते थे कीज के अलावा फ्लोरा है या फिर मैनुअल मोनोग्राफ है, वो आपको पढ़ना है, उसके बारे में नहीं बता रखा है, तो वो आपको करना है। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई चेंज नहीं है, प्लांट किंगडम में थोड़ा सा चेंज है, एंजियोस्पर्म के एग्जांपल्स में चेंज है। जैसे यहाँ पे देखो सिलेबस में आपको दिखाती हूँ, एंजियोस्पर्म जो है यहाँ से लेके एंड तक पूरा एग्जांपल है, ये पूरा का पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, एंजियोस्पर्म वाला। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो फर्स्ट यूनिट में चैप्टर कोई रिमूव नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं जो मैंने आपको अब बताए हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सेकेंड यूनिट, दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी, उसमें कोई चेंज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको भी पता है। ठीक है, जो चैप्टर 7 है उसमें क्या है, देखो चैप्टर 6 पूरा का पूरा रिमूव हो गया, जो हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स था वो पूरा रिमूव हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 7 जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, ओनली एनिमल टिश्यू आर इंक्लूडेड इन सिलेबस, सिर्फ एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा सिलेबस। एनिमल टिश्यू में क्या है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, ये सारे हैं, और कॉकरोच। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है हमें। ओके, तो ये है हमारी चैप्टर 7, 6 पूरा रिमूव हो गया। उसके बाद आती है हमारी यूनिट जो है, हाँ ये वही है जो सेकेंड में आपको बता रही थी। इसके बाद क्लास 12th का भी मैं बताऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सारी की सारी वीडियोज़ देखना। ओके, उसके बाद आती है यूनिट 3, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पूरी की पूरी यूनिट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसमें कोई भी टॉपिक और चैप्टर कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, इसका वेटेज इंक्रीज हो गया है इस यूनिट का। उसके बाद आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट की बात करें तो ये है प्लांट फिजियोलॉजी। बहुत बड़ा चेंज है इस यूनिट में। जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था ट्रांसपोर्ट इस यूनिट का, दैट इज चैप्टर नंबर 11 जो था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो पूरा रिमूव हो गया है। चैप्टर नंबर 12 था मिनरल न्यूट्रिशन, वो भी पूरा रिमूव हो गया है। और ये दोनों ऐसे ही हैं चैप्टर, दोनों इनमें कोई चेंज नहीं है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। जो चैप्टर नंबर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, देखो सीड जर्मिनेशन टू प्लांट सेल, सीड डोमेंसी टू फोटोपीरियोडिज्म, ये दोनों पार्ट रिमूव हो गए हैं। देखो ऊपर वाला जो है सीड जर्मिनेशन, ये रिमूव हुआ है, और इसके अलावा फोटोपीरियोडिज्म जो सबसे लास्ट है, ये दोनों रिमूव हुए हैं। बीच वाले में से आपको कुछ भी कट नहीं करना, सिर्फ सीड जर्मिनेशन, सीड डोमेंसी टू फोटोपीरियोडिज्म। ओके, ये वाले टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। सीड डोरमेंसी देखो लास्ट में, सीड डोरमेंसी रिमूव हुआ है, फोटोपीरियोडिज्म रिमूव हुआ है, सीड जर्मिनेशन, तीन टॉपिक्स।
ठीक है, ये सारे रिमूव हुए हैं, बीच में से हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है, ओके। यानी कि हॉर्मोन्स के बारे में हमें सारा पढ़ना है। उसके बाद आती है लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें भी बहुत बड़ा चेंज है, जो हमारा चैप्टर नंबर 16 जो हमारा था, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो हमारा चैप्टर था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन, वो पूरा रिमूव हो गया है, ठीक है। 17 जो ब्रीदिंग है और रेस्पिरेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 18-19 में नहीं हुआ, 20 में थोड़ी सी राहत दी गई है लोकोमोशन और मूवमेंट में। क्या क्या रिड्यूस हुआ है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट टू मस्क्यूलर स्केलेटल सिस्टम टू गाउट, ये वाले टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। देखो ये जो रेड मार्क है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट सिलेरी फ्लैजुलर मस्कुलर, ये नहीं करना है, और जो लास्ट टॉपिक है गाउट, वो नहीं करना है, सिर्फ ये रिमूव हुआ है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम टू गाउट, ये पूरा रिमूव हुआ है। दैट इज स्केलेटल सिस्टम में जितने भी टॉपिक है, माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटैनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, ये सारे रिमूव हुए हैं, और टाइप्स ऑफ मूवमेंट रिमूव हुई है, ठीक है। और ये जो बीच वाले टॉपिक हैं, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट्स, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ये सारे हमें करने हैं, ठीक है, गाउट नहीं करना। उसके बाद बात आती है गाउट नहीं करना, और जितने भी जो डिजीज़ है ना, माइस्थेनिया ग्रेविस, ये सब नहीं करने। देखो मैंने पूरा मार्क भी कर रखा है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट कट करनी है, जो कट नहीं कर रखा वो पूरा पढ़ना है, जो कट कर रखा है वो सारा छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जो दो चैप्टर बच गए ह्यूमन फिजियोलॉजी के, चैप्टर 21 और 22, उसमें से जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, उसमें से रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आई एंड ईयर, जो पूरा हम डिटेल में पढ़ते थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो पूरा रिमूव हो गया है। देखो यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी दो ही ऑर्गन पढ़ते थे हम, सिर्फ आई और ईयर, दोनों ही रिड्यूस कर दिए गए हैं। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 22, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि हमें कौन सा टॉपिक जिसकी वेटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा टाइम तक पढ़ना है, ठीक है, और जिसकी वेटेज कम है उसको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स तो 30% सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो एक तो आप 22 चैप्टर पढ़ रहे हो, एक आप 5 चैप्टर और जो कम्प्लीटली कट हो गए, और उसके बाद जो सिलेबस बच गया उसमें से भी टॉपिक्स कट हो गए, ठीक है। तो बहुत बड़ी राहत दी गई है 30%। और नीट के बारे में मैं फिर से बता देती हूँ, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कौन से टॉपिक्स चेंज होंगे, अगर कुछ होगी तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना नोटिफिकेशंस के लिए, और ऐसी वीडियो के लिए ज़रूर लाइक करना, ठीक है। उसके बाद जो 12th क्लास का सिलेबस होगा उसकी भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, थैंक यू।